दोस्तों जब कभी भी आप अपने फ्रेंड्स या तो फिर अपने फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाते हो, और दोस्तों आप जिस भी जगह पर आप जा रहे हो तो उस जगह पर आप एक दिन तो स्पेंड करना नहीं चाहोगे, यानी कि एक दिन में तो क्या मजा आएगा, हमें एक दिन से ज्यादा स्पेंड करना अच्छा लगता है। दोस्तों उसी की वजह से आपको रहने के लिए भी जगह चाहिए होगी। नहीं अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसी जगह पर अपना घर बसा दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब दोस्तों इसका सवाल लोगों के सामने आता है तो उसका जवाब तो बस एक ही होता है, वो है होटल, यानी कि होटल जहां पर आप रह सकते हो एक दो दिन के लिए जब भी आप अपने ट्रिप पर जाते। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे ऐसे यूनिक होटल्स बताने वाला हूँ, काफी ज्यादा यूनिक है और एकदम ही अजब गजब ही है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए पांच ऐसे यूनिक होटल्स है दुनिया भरों में से जो कि आपको जरूर से जानना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बटन पर जरूर से प्रेस करें, उसके बाद का नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर फाइव है सेंटोस एक्सप्रेस होटल। तो आप एक ऐसे होटल के बारे में सोचो जो कि पूरा का पूरा ट्रेन के अंदर मौजूद है, यानी कि आप समझ रहे हो एक होटल ही पूरा ट्रेन के अंदर मौजूद है। तो वो जो ट्रेन है वो सडनली एक बीच के अंदर आके पार्क हो गया और उसी पार्क और उसी ट्रेन के अंदर एक होटल है और वहां पर आप रह रहे हो। तो क्या आप दोस्तों ऐसे होटल के बारे में आप सोच भी सकते हो? नहीं। लेकिन दोस्तों रियलिटी में सच में ये जो होटल है, यानी कि नंबर फाइव जो होटल है, यानी कि सेंटोस एक्सप्रेस होटल, ये जो होटल है वो सच में ट्रेन के अंदर पूरा का पूरा होटल बसा हुआ है। और ये जो ट्रेन है वो सेंटोस बीच के नाम वाले बीच के अंदर पार्क हुआ है, यानी कि आपको एक बीच भी देखने मिलता है और आप जिस होटल में बैठे हो एक्चुअली में बाहर से पूरा ट्रेन दी। दोस्तों ये वाला जो होटल है यूनिक इसलिए क्योंकि ये सेंटोस एक्सप्रेस जो कि रियल में सच में 1920s की पैसेंजर वाली ट्रेन थी जो कि परमानेंटली के लिए उसको सेंटोस बीच के अंदर पार्क कर दिया गया और उसी ट्रेन के अंदर उस पूरे होटल को बिछा दिया गया, यानी कि उसी ट्रेन के अंदर आपको बेड्स सब चीज़ें देखने मिलती जो आपको रियलिटी में होटल के अंदर देखने मिलती है, यानी कि आपको ट्रेन ही पूरा ट्रेन के अंदर ही उस होटल को पूरा बिछा दिया है, फुल ट्रेन होटल। और दोस्तों सेंटोस बीच कोई ऐसा वैसा ही बीच नहीं है, वो जो बीच है वो व्हेल वॉचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और स्कूबा ड्राइविंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और काफ़ी सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि आप समझ रहे हो आप ट्रेन के अंदर ही बैठ कर होटल में रहकर मजे कर रहे हो और सामने आपको व्यू भी देखने मिलता है फुल एकदम सनसेट और सनराइज का। नंबर फोर पर जो होटल है वो है कोकेपेलिस के B&B रेस्टोरेंट, B&B यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल। दोस्तों ये जो होटल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी और सबसे ज्यादा यूनिक भी है। ये जो होटल है खतरनाक इसलिए क्योंकि ये जो होटल है वो 300 फीट के ऊंचाई पर मौजूद है और यूनिक इसलिए क्योंकि ये जो होटल है वो पूरा केव के अंदर मौजूद है, यानी कि केव समझ रहे हो आपको केव के अंदर ये होटल पूरा मौजूद है। आपके दिमाग में आएगा कि ये जो होटल है वो केव के अंदर मौजूद है तो इसके अंदर एक्चुअली में कुछ भी नहीं होगा, बस बेड होगा सोने के लिए। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में इस बेड इस होटल के अंदर आपको सारी चीजें देखने मिलेगी, लाइट से लेकर टीवी तक सब चीजें आपको देखने मिलती है। एक्चुअली में ये जो होटल है वो एक्चुअली में पहले केव ही था, यानी कि नॉर्मल सा केव रहता है वैसा ही ये केव था, पूरे होटल में बदल दिया। दोस्तों एक्चुअली में स्टोरी ये था कि उसकी एक कंपनी थी, यानी कि एक ऑयल की कंपनी थी, तो उसके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना हम केव के अंदर ऑफिस को बनाए, तो उसी की वजह से उसने वहाँ का एरिया परचेस किया, यानी कि ये जो केव है वो अमेरिका के अंदर मौजूद, यानी अमेरिका में न्यू मेक्सिको में फर्मिंगटन एक जगह है वो उसके अंदर मौजूद है। बेसिकली बाद में उसने इस जगह को खरीद दिया, खरीदने के बाद वो बाद में वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, फिर बाद में एक साल की कड़ी मेहनत के बाद उस केव को उसने पूरा ऑफिस में बदल डाला, यानी कि ऑफिस समझ रहे हो आपको केव सीधा ऑफिस में बदल डाला। हुआ ये कि बाद में उसे पूरा होटल में बदल दिया उस केव को। और दोस्तों इस होटल की सबसे खास बात ये है कि जैसे ही आप इस होटल में बाहर जाते हो तो ये एक्चुअली में 300 फीट ऊंचाई पर मौजूद है और 300 फीट ऊंचाई से आपको नीचे आपको ला प्लेटा नाम के रिवर वैली आपको देखने मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है ऊपर से और आपको ऊपर से व्यू भी। नंबर थ्री पर जो होटल है वो है आर्टिक ट्री हाउस होटल। इस होटल को बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है, वो है नॉर्दर्न लाइट्स। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि नॉर्दर्न लाइट्स क्या होते हैं तो आप कुछ उसके कुछ फोटोज देख लीजिए। दोस्तों अभी तो आपने देख लिए होंगे कि नॉर्दर्न लाइट्स कि नॉर्दर्न लाइट्स एक्चुअली में किस तरह से दिखती है। अभी तो आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा पीसफुल और एकदम सिनेमैटिक्स है और एकदम अलग सा ही कलर हमें अर्थ के स्काई पर हमें देखने मिलता है, यानी कि दोस्तों ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि अर्थ के यानी कि धरती के हमें स्काई पर देखने मिलता है। दोस्तों नॉर्दर्न लाइट्स काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं वो आपको सिर्फ पोल पर ही देखने मिलेगी, यानी कि जैसे हमारी धरती का एक साइड का कॉर्नर, जैसे कि नॉर्दर्न नॉर्थ और साउथ पोल, ये दोनों पोल पे आपको देखने मिलते हैं।
मतलब कि दोस्तों बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, यानी कि पोल, तो वहाँ पर तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसी की वजह से वहाँ पर एक नेचुरल फिनोमेना आकर होता है, उसी की वजह से हमें धरती के स्काई पर अलग से एकदम व्यू देखने मिलते हैं, और वो जो कलर है एकदम पीसफुल होता है एकदम। दोस्तों इसी की वजह से आर्कटिक ट्री हाउस होटल, ये जो होटल है वो नॉर्दर्न लाइट्स ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर नॉर्दर्न लाइट, ये समझ लो दोस्तों ये आर्कटिक होटल, आर्कटिक ट्री हाउस होटल है, यहाँ पर उसी के सामने नॉर्दर्न लाइट्स के आपको व्यू देखने मिलते हैं, कि जस्ट एग्जैक्टली जहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स अकर होते हैं वहाँ पर ही आपको ये होटल देखने मिलता है, इसलिए आर्कटिक ट्री हाउस होटल काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। नंबर टू, दोस्तों नंबर टू पे जो होटल है वो पूरे लिस्ट में सबसे ज़्यादा यूनिक होटल है, क्योंकि दोस्तों आप समझ ही जाओ कि ये जो होटल है इसलिए यूनिक है क्योंकि ये जो होटल है वो पूरा कुत्ते के अंदर मौजूद है, यानी कि डॉग के अंदर इस होटल को पूरा बनाया, क्योंकि दोस्तों आप सच में समझ ले यानी कि डॉग को ऐसा फाट के उसी के अंदर होटल को बना दे, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में डॉग का जो शेप है उसका उसे बनाकर यानी कि वुडन की मदद से लकड़ी की मदद से पूरे डॉग का उसे शेप बनाया, और वो करीबन 2 मीटर यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसी के अंदर हम लोग को बेड्स वगैरह सारी चीज़ें देखने मिलते हैं और विंडो भी देखने मिलेगा, और अगर आप बाहर से देखते हैं यानी कि दूर से आप उस चीज़ इस होटल को देखते हो तो पूरा एकदम असली में डॉग ही लगेगा, इतना बड़ा सा है एकदम ही। नंबर वन, दोस्तों नंबर वन पे जो होटल है वो है उटेर इन होटल। दोस्तों ये जो होटल है वो पूरा अंडर वाटर है, यानी कि दोस्तों आप समझ रहे हो एक पानी यानी कि समुद्र के अंदर ही उस होटल को बनाया, और उसी के अंदर हम लोग को रहने का, मतलब उसी के अंदर आपको एकदम कांच एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप, और आपको बाहर से आपको व्यू भी देखने मिलेगा, और आप वहाँ पर रह भी सकते हो, यानी कि अंडर वाटर पानी के अंदर आपको ये होटल देखने मिलता है, एकदम ही गजब है, और आपको बाहर का व्यू भी देखने मिलता है, सब फिश वहाँ से जाते रहते हैं और वही सब। तो बस दोस्तों आज के ये 5 लिस्ट में बस इतने से ही होटल थे, अगर दोस्तों आपको इनमें से कौन से भी होटल अगर आपको ज़्यादा पसंद आता है और आप इस इनमें से किसी भी होटल को विजिट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शुरू दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताएगा कि ये उन यूनिक होटल्स है हमारे दुनिया में, ऐसे यूनिक होटल्स भी मौजूद है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बटन पर जरूर से वैसे इसका आज का नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।